गुड मॉर्निंग। सी एस एस के सेशन 3 ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम फिर वापस जहाँ पिछली क्लास में अपन ने छोड़ा था, इसके अंदर अपन ने फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ का अपन ने यूज़ किया था। जो फॉन्ट की प्रॉपर्टी होती है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, इन सबको आज देखा था। अपन टेक्स्ट की बात करेंगे, ठीक है। अब अपना जो टारगेट है वो इस प्रकार है, H6। टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को अलाइनमेंट करना। अलाइनमेंट का मतलब उसको अलाइनमेंट प्रॉपर्टी के अंदर लेफ्ट कर सकते हो, राइट कर सकते हो, सेंटर कर सकते हो या जस्टिफाई कर सकते हो। तो टेक्स्ट अलाइन को मैं करता हूँ पहले सेंटर, जस्टिफाई, लेफ्ट और राइट। अब मैं पहले इसको सेंटर करता हूँ। सपोज करो मैंने H1 फॉर्मेट है, इसको अपन H6 फॉर्मेट कर देते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। ओके, H6 अपने को अपने किया है इसको, एंड नाउ चेक करते हैं। आई मीन H6 फॉर्मेट सेंटर में आ चुका है आपका, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको सेंटर में आने के बाद टेक्स्ट अलाइन हो गया, सेंटर कर सकते हो, राइट कर सकते हो, राइट कर सकते हो आप एज यूजुअल, ठीक है। ये राइट हो गया एंड दिस इज लेफ्ट। ओके, एंड आप इसको लेफ्ट करोगे तो ये सारी चीज़ें लेफ्ट में भी आ जाएगी आप। सो टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाई हो सकता है, ठीक है। आप इनमें से यूज कर सकते हैं उसको। टेक्स्ट अलाइनमेंट के बाद में है अपना टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है जिसको अपने को प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर आप चाहो तो उसको सारे को कैपिटलाइज कर सकते हो, लोअर केस कर सकते हो, ठीक है। कैपिटलाइज मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड सारे लेटर स्मॉल। सो पहले अपन लोअर केस मतलब छोटी ABCD में, अपर केस मतलब बड़ी ABCD में, कैपिटलाइज मतलब उसको बड़ा पहला अक्षर कैपिटल। सो अपन पहले कैपिटलाइज करते हैं। आई मीन H6 प्रॉपर्टी। अब आप देखोगे यहाँ पे जो फर्स्ट कैरेक्टर्स है वो ऑटोमेटिक, जो हर एक वर्ड का फर्स्ट कैपिटल है वो ऑटोमेटिक कैपिटल हो चुका है। ऑटोमेटिक हर एक कैरेक्टर जो फर्स्ट वर्ड है किसी भी वर्ड का वो ऑटोमेटिक कैपिटल हो चुका है। आप चाहो सारों को आप स्मॉल करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोअर केस, लोअर केस ऑलरेडी है, अपन इसको अपर केस करते हैं। अपर केस ये पूरा आपका कैपिटल में आ चुका है, देखिए, ठीक है। अपर केस लोअर केस में सब कुछ स्मॉल कर देगा, नन में टेक्स्ट को नॉर्मल रखता है, पहले के जैसे ही रखता है। ओके, अब नेक्स्ट है इसका टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी, यानी कि जो अपन देखेंगे नेक्स्ट है। टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी, इंडेंट प्रॉपर्टी का एलिमेंट में से केवल पहली लाइन को इंडेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लेंथ, टाइप, वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू से स्पेसिफाई किया जाता है। इसकी वैल्यू को परसेंटेज में स्पेसिफाई किया जाता है। ओके, टेक्स्ट इंडेंट इक्वल टू 40 pixels।
टेक्स्ट इंडेंट, ओके। अपन इन सारे चेंजेस को पहले अपने को हटाना पड़ेगा, तभी तो अपन उसका चेंजेस देख पाएंगे। सो पहली लाइन को इंडेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अपने को जो नेक्स्ट जो टारगेट है वो अपना आता है ये करने के बाद इंडेंट कर, आप जिस तरीके से इसको करते हो अब अपन देखते हैं टेक्स्ट की कुछ और प्रॉपर्टीज जो कि काम आती है। अब आता है टेक्स्ट डेकोरेशन, ओके। टेक्स्ट डेकोरेशन ब्लिंक इनहेरिट लाइन थ्रो ओवरलाइन अंडरलाइन, ओवरलाइन पहले एक बार ट्राई करते हैं, अंडरलाइन ट्राई करते हैं, ठीक है। लेट्स व्हाट विल हैपन। आई एम एन H6 प्रॉपर्टीज, अंडरलाइन में इस प्रकार आपके नीचे लाइन बन जाएगी, ठीक है। अंडरलाइन के बाद है अपनी जो नेक्स्ट है वो ओवरलाइन, जिसके ऊपर अपने को ओवरलाइन टेक्स्ट के ऊपर लाइन ऊपर आती है, ठीक है। एंड इसके बाद जो अपनी है टेक्स्ट डेकोरेशन ब्लैंक ये नॉट इम्प्लीमेंटेड है अभी तक, इसको इम्प्लीमेंट अपन ने नहीं किया है इसको। सो आज हम वो देख रहे हैं कि इसमें टेक्स्ट की डेकोरेशन वाली प्रॉपर्टीज अपन देख चुके हैं। डेकोरेशन प्रॉपर्टी के बाद में जो इसकी आती है, इसके बाद टेक्स्ट को जस्टिफाई करने वाली प्रॉपर्टीज जो आप उनको जितना इम्प्लीमेंट जो CSS जो प्रोग्रामिंग है या इसको सीखने की बात करते हैं अपन, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके ही लिए अच्छा है, उतना ही आप जल्दी फास्ट और स्मूथली इसको सीख पाओगे। सो अब इसके बाद नेक्स्ट है अपना कलर की प्रॉपर्टीज। कलर की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, कलर प्रॉपर्टीज के लिए अपन देखते हैं, ओके। सो कलर प्रॉपर्टीज के लिए कलर के आप कलर स्पेसिफाइड कर सकते हो कि कलर क्या रखना है आपको, उसका कलर, और आप इसको या तो आप ग्रीन ब्लू वाइट वो लिख सकते हो आप डायरेक्ट, या RGB फॉर्मेट के अंदर भी आप लिख सकते हो। यानी कि पहला तरीका तो आप ये यहाँ पे सपोज करो मैंने लिखा ग्रीन, ओके, ग्रीन ग्रीन H6 ये ग्रीन के अंदर हो चुका है, ठीक है। अब इसको चाहूँ तो मैं इसको कलर को डिफाइन करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो कलर ये हो सकता है, या दूसरा RGB फॉर्मेट हो सकता है, यानी कि ये तो ग्रीन लिख दिया अपन ने, जो नेक्स्ट है RGB रेड ग्रीन ब्लू, तीनों कलर कॉम्बिनेशन की कितनी कितनी इंटेंसिटी रखनी है उसके आधार पे। RGB मतलब रेड, रेड को अगर आप हाईएस्ट कर दोगे 255 और बाकी को जीरो करोगे तो जीरो हो जाएगा, यानी कि ग्रीन भी जीरो ब्लू भी जीरो रेड है हाईएस्ट इंटेंसिटी, तो ये पूरी ऑल ओवर इफेक्ट कितना करेगा, ये इसको रेड कर देगा पूरे H6 को, ये पूरा रेड हो गया। अब मैं अगर ये कॉम्बिनेशंस चेंज कर पाऊँ, अगर फुल रेड और फुल ब्लू, ठीक है, ग्रीन मैंने मिक्स नहीं किया, तो क्या कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा वो आप अपन देख सकते हैं।
ये प्लम आ गया, जो कि रेड का और ब्लू दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसको प्लम कलर बोलते हैं। ठीक है, आप चाहो तो और दूसरे कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकते हो, हर बार कॉम्बिनेशन पे एक नया कलर आएगा। इसको मैंने सपोज करो जीरो कलर है और यहाँ पे 2 5, अब मैंने रेड जीरो कर दिया है, ग्रीन एंड हाइस्ट कर दिया, और वो तो ये कलर इसका डेवलप होगा। ठीक है, सो इस तरीके से आरजीबी फॉर्मेट के अंदर भी आप कलर को स्पेसिफाइड कर सकते हो। आरजीबी का कितना कितना परसेंटेज आपको लिखना है वो भी 100% की रेंज में वो भी आप इसको लिख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए थर्टी फाइव परसेंट रेड, 49% और 16%। तो इससे भी कॉम्बिनेशंस तैयार हो सकते हैं आपका, ये कलर इसका तैयार हो गया। ठीक है, सो इसको कलर को डिफाइन करने का तरीका कोई सा भी हो सकता है। आरजीबी फॉर्मेट में डायरेक्ट नाम कर सकते हो या परसेंटेज के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो इसको। इसके बाद है बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज। कलर प्रॉपर्टीज के बाद आते हैं अपन बैकग्राउंड्स की प्रॉपर्टीज को किस प्रकार आप चेंज कर सकते हो इसके अंदर। तो उसके लिए अपन यहाँ पे फॉलो करना है अपने को बैकग्राउंड। बैकग्राउंड पे जो सबसे पहले आता है बैकग्राउंड कलर की ही आती है बात। बैकग्राउंड के अंदर पांच प्रकार की प्रॉपर्टीज होती है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड पोजीशन। तो पहली बात करते हैं अपन बैकग्राउंड कलर की। बैकग्राउंड कलर पे जो आप कलर चाहो वो कर सकते हो। इसको मुझे थोड़ा सा H1 करने दो ताकि इसको मैं देख पाऊँ ढंग से। I am in H16. Now I experimental. Okay. तो ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड है वो इसका कलर चेंज, पूरी रो को पूरी लाइन का जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो चुका है। बैकग्राउंड कलर जो आपने लिखा वो सेट हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर के बाद आप चाहो तो कलर को डिफाइन करने के वापस वही तरीके हैं, आरजीबी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो आप, या उसका परसेंटेज में दिखा सकते हो, या डायरेक्ट नाम लिख सकते हो आप। सो बैकग्राउंड कलर के बाद आता है बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी। तो उसको अपन लिखते किस प्रकार हैं, बैकग्राउंड इमेज, इमेज में आपको फिर इनहेरिट करनी पड़ेगी वो प्रॉपर्टीज, आपको देख के उस फाइल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो फाइल है कहाँ पे, सपोज करता हूँ मैंने ये एक फाइल है, ओके URL लिख के उस फाइल का नाम आपको लिखना है। तो अब इसके अंदर पूरी इमेज वो आ चुकी है आपकी, जो अपन कर रहे हैं वो इमेज इसके अंदर पूरी डिस्प्ले है, लेकिन इमेज चूंकि बहुत ज़्यादा बड़ी है तो इस कारण से वो आपको उसमें दिखाई नहीं देगी। बैकग्राउंड इमेज के बाद, बैकग्राउंड इमेज के बाद बैकग्राउंड रिपीट की अपन बात करते हैं कि बैकग्राउंड रिपीट क्या होता है। बैकग्राउंड रिपीट में द्वारा किसी ऑब्जेक्ट की बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टीज़ को बांटा जा सकता है। इनकी पॉसिबल वैल्यूज ये होती है, रिपीट डिफॉल्ट वैल्यू होती है, इमेज हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली रिपीट होती है, नो रिपीट कोई रिपीट नहीं होती, रिपीट एक्स इमेज हॉरिजॉन्टली रिपीट होती है, इमेज वर्टिकली वाई रिपीट वाई में होती है। ठीक है, इसको अपन ये करने के बाद में अपन चाहें तो इसको बैकग्राउंड इमेज जाके वहाँ पे डाल सकते हैं।
इसको अपन एक बार हटा देते हैं बॉडी के अंदर, स्टाइल बैकग्राउंड इमेज ब्राउज तो ये पूरी बैकग्राउंड इमेज आपकी आ चुकी है पूरी, जो साइज बड़ी थी तो जितना एरिया उसका कवर था उतना आपको यहाँ पे दिखा देगा। सो बैकग्राउंड इमेज ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है रिपीट ओरिजेंटली वर्टिकली। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो है लिस्ट एट्रीब्यूट। बैकग्राउंड साइज भी आप डिफाइन कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। सो इस अपन लेक्चर्स के अंदर अपना जो आज का है इतना आई थिंक सफिशियंट है। नेक्स्ट क्लास में अपन और जो बची हुई प्रॉपर्टीज़ है और इस चैप्टर को क्लोजिंग एंड पे अपन पहुँचाएंगे। थैंक यू वेरी मच।